हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा है फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जे। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। इसका हम देखने वाले हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन विश्वकर्मा फ्रॉम लक्ष्य कोटा एकेडमी, स्पेशली क्लासेस फॉर नीट आईटी एंड जे। बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। इसका हम देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप का हम इसका सीखने वाले हैं क्या, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो देखते हैं जो इसमें क्या होता है कि जनरली इस कंपाउंड के या इस ग्रुप के प्रेजेंट होते ही उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाता है, रिसर्च हो जाते हैं। या मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, मैं इसको डिफाइन किया हुआ है सिंपल सा। ये पूछता भी है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, इसके प्रेजेंस होने से ही उस कंपाउंड का नाम या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है, शो करना स्टार्ट कर देता है इसके प्रेजेंट होते ही। क्लियर है, तो देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है फटाक से। इट इज एन एटम एंड ग्रुप्स ऑफ एटम या सेट ऑफ एटम्स कनेक्टेड टू द मॉलिक्यूल एंड स्पेसिफिक वे, कुछ स्पेशल तरीके से क्या होता है बच्चों, ये कनेक्ट होता है किससे, किसी भी कार्बन कंपाउंड से। जब ये कनेक्ट होता है तो कनेक्ट होते ही क्या बनाते हैं, मैंने साफ साफ बोला था क्या केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिसाइड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे कि आपके पास मान लो क्या है बच्चों, कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने दिया हुआ, जैसे कि OH ग्रुप है, तो इसका नाम होता है क्या, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये कंपाउंड का नाम क्या बनाता है, एल्कोहल कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, एल्कोहल कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अगला होता है COOH ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, और ये कौन सा कंपाउंड बनाता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनाता है, एसिड फॉर्म करता है। CHO इसका नाम होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, और कौन सा कंपाउंड बनाता है बच्चों, एल्डिहाइड कंपाउंड ही बनाता है। इसका नाम होता है बच्चों सी डबल बॉन्ड ओ, यानी ये कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, या कीटो ग्रुप भी बोलते हैं इसको, मैं बताऊंगा। और ये क्या बनाता है बच्चों, कीटोन कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ये होता है NH2, NH2 क्या बनाता है बच्चों, अमीन्स का फॉर्म करता है, और ये क्या बनाता है, अमीन, एंड कंपाउंड का नेम भी क्या हो जाएगा, अमीन। और लास्ट वाला बच्चों क्या होता है, XX मतलब बच्चों हैलोजन, कौन सा ग्रुप, कौन सा कंपाउंड होता है ये, हैलोजन, और इसका जो ग्रुप का नाम होता है बच्चों, हेलो ग्रुप बोलते हैं। फ्लोरिन है तो फ्लोरो, क्लोरिन है तो क्लोरो, BR है तो ब्रोमो, और ये आयडो, सिंपल सा इसका नाम होता है। क्लियर है, आपको इसको क्या बताना है, सिंपल भाषा मैंने क्या बोला कि इसके प्रेजेंट होते ही किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, शो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नहीं तो जनरली वो चैन, एक सिंपल सा चैन मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसके आने से कुछ स्पेशल आता है इसमें, उसकी प्रॉपर्टीज समझ में आता है कि हाँ मेरे को कैसे बिहेव करना है। जैसे हमारे होते नहीं है, कभी कभी बच्चे पढ़ते रहते हैं, कोई आगे उसको मोटिवेट कर दे तो वो थोड़ा सा इंस्पायर हो जाते हैं, फिर अपने पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, बस यहाँ पर ही वही होता है। जनरली कार्बन चैन ही होता है, लेकिन इसके प्रेजेंस होते ही क्या होता है, इसमें कुछ स्पेशल करेक्टर्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है बच्चों, आगे समझ में, ओके, थैंक यू बच्चों।